तो ये आप ड्रोन की बात कर रहे हैं, जैसा आपको पता है कि ये अनमैन्ड जो है वो व्हीकल रहता है, ऑटोमेटिक जो बैटरी से ऑपरेट होता है, तो पौंग में ही नहीं बल्कि हमारे चंबा वाइल्ड लाइफ डिवीजन में भी हम ड्रोन से सर्वेलांस कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो है वो पौंग में एक जो है वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो रही है ड्रोन से, और इससे जो है जो माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं उसकी हम चेकिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ इलीगल माइनिंग और इलीगल एग्रीकल्चर पर भी हम नज़र रख रहे हैं। तो हमारा जो वहाँ पे पौंग में डीपो वाइल्ड लाइफ हमीरपुर का स्टाफ है वो इसको कंटिन्यूअस उड़ा रहा है और उससे जो है पूरी रिकॉर्डिंग हम ले रहे हैं। अभी हमारे पास जो है दो ड्रोन पौंग में हैं और दो ड्रोन जो हैं वो चंबा में, बल्कि आज जो है वो डीएफओ वाइल्ड लाइफ चंबा जो हैं राजीव जी वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं स्टाफ की, जिस ताकि हम जो चंबा में इंटीरियर में जैसे हमारी कुगती है या फिर खजियार तो आप जानते ही हैं, सेचुतवान है, इस तरह की तुंदा है जो सेंचुरीज हैं, वहाँ पर भी हम ड्रोन को उड़ा सकें और उससे जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकें ताकि कोई अवैध शिकार वगैरह ना हो। पौंग में जो है कंटिन्यूअस चला हुआ है और इसके लिए जो है वो जो स्थानीय निवासी हैं, जिसमें मैं विशेष रूप से श्री एम आर शर्मा जी का नाम लेना चाहूँगी, उन्होंने मुझसे आग्रह किया है और लिखित रूप से भी हमें कहा है कि हम जो है इसमें शाम के समय और सुबह के समय भी ड्रोन का उपयोग करें ताकि लोगों की जो अवैध गतिविधियाँ हैं उनको हम चेक कर सकें। देखिए, अवैध शिकार करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, और अभी पीछे हमने वहाँ पे पौंग डैम में कैपेसिटी बिल्डिंग की एक वर्कशॉप की थी, तो जिसमें जो हमारे डीएफओ हेडक्वार्टर हैं श्री संजीव जी, वो इसमें जो है वो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल के जो विंग है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का जो एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला हुआ है उसमें उन्होंने 3-4 बार ट्रेनिंग की है और वो एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने उसके बारे में वहाँ स्टाफ को पूरे डिटेल से बताया था। और हमारी ये कोशिश है कि इस बार अगर कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसको हम जो है वो कोर्ट में चालान करेंगे ताकि उसको जेल हो और कोई भी केस जो है वो कंपाउंड नहीं किया जाएगा, ताकि इससे लोगों को पता चले कि ये कितना गलत काम है। तो स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस बार लोग जो हैं वो पूरा सहयोग करेंगे, कुछ भी अवैध गतिविधि नहीं करेंगे ताकि ऐसी नौबत ना आए कि किसी को हमारे को कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। वन्य प्राणी सुरक्षित रहते हैं तो वो स्थानीय लोगों के लिए भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने वन विभाग के लिए हैं।